गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों और अभिभावक महोदय को भी नमस्कार। अपने बच्चों के बीच समय दीजिए और सुंदर ढंग से लिखवाइए, और हाँ, इनके कॉपी और किताब अवश्य खरीद दीजिए, जिसके सहयोग से बच्चे उसका रीडिंग दे सके और उसको बना सके। तो देखिए, आज हम लोग क्या लेकर के आए हैं, अब जानते हैं। फोर, FOUR, फोर बच्चों को लिखवाना है। और देखिए यहाँ काइट, इसको काउंट करवाइए, हाउ मैनी काइट? देयर आर फोर काइट, 1 2 3 4। स्पेलिंग FOUR, फोर, ऐसे आपको लिखवा देना है। यहाँ A4 को पिंक कलर से ज़रूर कलर करवाइए बच्चों को, ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, इसको आपको जो मन है वो रंगे, लेकिन इस तरह से रंगवा देना है बच्चों को, है ना। अब देखिए फोर क्या हम करते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन खींच दिए, सेकंड हाफ स्टैंडिंग लाइन, ये फुल स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन हो गया। फोर हाफ स्टैंडिंग लाइन, फुल स्टैंडिंग लाइन, देखा है, एक स्लीपिंग लाइन। फोर हाफ स्टैंडिंग लाइन, फुल स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन। फोर हाफ स्टैंडिंग लाइन, फुल स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन। और FOUR, फोर, अंडरस्टैंड है? इस तरह से बना लेना है आपको। अब देखना है राइट हाउ मेनी वर्ड, 10 वर्ड, है ना। और बी से 10 वर्ड हम लोगों को बना देना है। राइट 10 वर्ड्स फॉर बी, कैसे? तो आप यहाँ पर भी देखें, बी से, बी फॉर व्हाट, देखिए, दिख रहे हैं, वेरी गुड, पता चल रहा है, वाह, वेरी गुड। बी फॉर बैग, है ना, तो इसको बैलून, बेबी, ये सब पूरा लिखना है, बोल बोल कर करके बच्चों को लिखवाना है, ठीक है। और आप ये जो देख रहे हैं इसको भी बच्चों से पूरा लिखवाइए। एफ फॉर फिश, कैसे 3 लाइन में लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, एफ फॉर फिश बच्चे लिखेंगे 3 लाइन में। और यहाँ पर इस पेज में क्या करेंगे कि राइट द फर्स्ट लेटर, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन बिलो, है ना। जैसे एंट है तो ए लिख देना है, ठीक है, तो ए लिख दीजिए। ईयर है तो ई लिखिए, चेयर है तो सी लिखिए, इस तरह से पूरे लिख देना है आपको। और इसको कलर द स्टार्टिंग लेटर ऑफ ईच पिक्चर, जैसे ये क्या है, इंजन है, देख रहे हैं, इंजन है तो ई को कलर कर दीजिए। ये क्या है, व्हाट, कैट है, कैट है ना, तो सी को कलर कर देना है। बॉल है तो बी को कलर करना है, तो डॉग है तो डी को कलर करना है, इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरा करना है। और इसको सुंदर 3 लाइन जो आपको बतलाया गया है ना, कैपिटल है तो 3 लाइन, बिग बी, ए, जी, ऐसे लिखा जा रहा है, तो ए स्मॉल है तो 1 2 3, ये 3 लाइन, कैपिटल है तो 3 लाइन ऊपर, 1 2 3, और ए 2 लाइन में टच करता है, किस तरह से 2 लाइन में टच किया हुआ है, इसी तरह से बैलून भी लिखना है, बी फॉर बैलून, भी 3 लाइन टच करा है, 1 2 3, बी ए
डबल एल डबल ओ डबल एल ओ एल बैलून है ना। इस तरह से आप अपने बच्चों को लिखवाइए। फिर बेबी बी ए स्मॉल ए होगा बी वाई बी वाई इस प्रकार से फोर लाइन मैं कैसे लिखवाया वाई नीचे की ओर वन टू थ्री लाइन ए टू लाइन में टच कर रहा है बी ऊपर से वन टू थ्री लाइन टच कर रहा है। इस तरह से अपने बच्चों को लिखवाना है पूरे पेज में लिखवाइए ठीक है। क्योंकि 10 वर्ड अगर आता है फिर उसको रिपीट कर करके लेकिन राइटिंग सुधारने के लिए पूरे पेज में लिखवा देना है। चलिए अब हम लोग दो अक्षरों से बने शब्द को हम लोग लिखेंगे ठीक है। इतने अक्षर से दो अक्षरों से बने शब्द मैं बताया था उसी से दो अक्षर का शब्द अभी चल रहा है देख रहे हैं ना क्या है दो लाइन में टच कर करके इसको लिखवाना है ना देख रहे हैं क्या है यस देख रहे हैं यस उठ जल जल भर घर चल डर मत फल चख लड़ मत सच कह बन मत वाह धन रख। अभी नीचे वाला भी पढ़ना है वस पर चढ़ लौ अब जग मठ तक चल जप तप कर हठ मत कर। इस तरह से बोल बोल कर करके पढ़ना है और इसमें आप तीन अक्षर का जो शब्द है इसको बच्चों से अवश्य लिख दो अक्षर वाले शब्द बच्चों से लिखवा लीजिए जिससे बच्चे जो लिखे देख रहे हैं जल भर कर छत पर रख ये पूरा क्योंकि कल भी आप लिखा है लेकिन इसको भी आपको लिखवा लेना है। देखिए यस रथ पर चढ़ कर घर चल इसको आज लिखवा लेना तो ये पूरे आपको लिखवा लेना है और यहाँ पर भी दो अक्षर में कैसे लिखा हुआ है 10 शब्द बना लेना है दो अक्षर का है ना दो लाइन में टच कर रहा है यस देख रहे हैं यस ऊपर स्लीपिंग नहीं दे दीजिए यस जल ऊपर स्लीपिंग नहीं दे दीजिए जल सुंदर दो लाइन में टच करें यहाँ देख रहे हैं ना यहाँ तक टच करें जल यस जल कम 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 से ऐसे कर दीजिए और मां लिख दीजिए ऊपर स्लीपिंग लाइन और से डाल दीजिए। इस प्रकार से अपने बच्चों को जरूर दो लाइन में लिखवाइए जिससे बच्चे लिख लें 10 शब्द लेकिन उसको रिपीट कर करके पूरे पेज भर देना है ठीक है। थैंक यू।